हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ दिव्या और आप सबका फिर से स्वागत है बेसिक विद दिव्या में। आज मैं बना रही थी गाजर का हलवा। जाड़ा आए और गाजर का हलवा ना बनाए, ऐसा हो सकता है क्या? मैंने सोचा क्यों ना अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया जाए, इसलिए तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सब्सक्राइब करेंगे तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा कुछ नया बनाने के लिए। और मुझे कमेंट करके भी बताना कि आपको मेरा गाजर का हलवा कैसा लगा। और मेरे वीडियो को लाइक करना देखने के बाद। आप लोग सब देखते तो हो बट मेरे वीडियो कोई लाइक नहीं करता। अगर आप लाइक नहीं करोगे तो मुझे मोटिवेशन नहीं मिलता है कुछ भी बनाने के लिए। मुझे लगता है कोई तो मेरे वीडियो को लाइक कर नहीं रहा है, कोई कमेंट करके नहीं बता रहा है। इसलिए आप प्लीज़ एक लाइक करते हो उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, लाइक हाँ मेरा वीडियो अच्छा बन रहा है, लोगों को पसंद आ रहा है, मेरे फ्रेंड्स को पसंद आ रहा है। चलिए, बातें बहुत हो गई है, अब आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कढ़ाई में मिल्क डालेंगे। मिल्क मैंने यहाँ पे हाफ लीटर से ज़्यादा लिया है और ये बॉइल्ड मिल्क है और मैंने मिल्क क्रीम के साथ लिया है। इसे हम अच्छी तरह सिझा कर गाढ़ा कर लेंगे। हमें इस मिल्क को बॉइल करके थिक करना है। दूध जब बॉइल हो जाए तो हमें बीच बीच में दूध को कंटिन्यूसली स्टेयर करते रहना है और जो इसके एजेस में जो भी दूध लग गई है, चिपक गई है, उन्हें हमें निकालते रहना है, नहीं तो वो और चिपकते जाएगी उस पर। दूध अब गाढ़ा हो गया है तो अब हम इसमें ये कद्दूकस किया हुआ गाजर डाल देंगे। मैंने यहाँ पे 6 पीस गाजर लिए हैं। गाजर भी अभी अपना वाटर रिलीज करेगा, इसे अभी हम लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए ढक देंगे। आफ्टर 5 मिनट्स हम इसे अब हटा कर देखेंगे। अब इसे हमें चलाना है, फ्लेम को हाई कर लेना है। इसे हमें बीच बीच में चलाते रहना है, नहीं तो ये नीचे से लग जाएगी। अब इसमें हम शुगर ऐड करेंगे। शुगर मैंने यहाँ पे 1 कटोरी से कम लिया है। इसे डालकर अब अच्छी तरह चलाते रहेंगे।
आप देख रहे हैं ये धीरे धीरे ठीक होने लगा है, तो इसमें हम लास्ट में 1 स्पून घी डालेंगे। घी डालने से क्या होता है, ये नीचे लगेगा नहीं और टेस्ट भी और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। अगर आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद है तो आप इसी टाइम पे इसमें ड्राई फ्रूट्स दे सकते हैं। दरअसल मुझे गाजर के हलवा में ड्राई फ्रूट्स एकदम नहीं पसंद, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स देने से मुझे ऐसा लगता है कि गाजर का एक्चुअल टेस्ट चला जाता है। मैं तो नहीं डालती। अगर आपको पसंद है तो आप इसमें दे सकते हैं, अदरवाइज़ अगर आपको भी नहीं पसंद है तब स्किप कर सकते हैं।